आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। जो लोग चाहते हैं कि घर में गरीबी न रहे, उनको ये पांच काम करना चाहिए। नंबर एक, मेले वस्त्र कभी न पहने, साफ कपड़े पहने। नंबर दो, मेले दांत मत रखें, दांतों को साफ रखें, जब हंसें तो मोती जैसे दांत चमकने लग जाए। नंबर तीन, बहुत भोजन न खाएं, आधा पेट खाली रहे, कम भोजन खाएं। भोजन खाने के बाद ये न कहें कि हम बीमार हैं, अब उठ नहीं पाएंगे, कम भोजन करें। भावासनम निष्ठुर भाषणम, और जो चाहते हमारी गरीबी मिटे, वे कभी कठोर न बोलें, मीठा बोलें, हंसकर बोलें, खुश होकर बोलें, और ऐसा बोलें कि उसमें रसगुल्ला घोलें, तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। गरीबी मिटाने की बात। और पांचवी चीज, सूर्योदय के समय ना सोएं और सूर्यास्त के समय ना सोएं। ये दो समय सोने से मनुष्य के बीमारियां आती हैं शरीर में, रोग आता है, और जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, फिर उसके घर में गरीबी आ जाती है। ये दो टाइम सोना नहीं चाहिए। जिस समय सूर्य डूब रहा हो, जिस समय सूर्य उग रहा हो, उस समय उठ जाइए। ये पांच बातें याद रखिए। और तीन काम बंद करना पड़ेगा अगर चाहते हो कि गरीबी दूर हो। मूर्खों का आदर मत कीजिए, मूर्खों की संगत मत कीजिए, मूर्खों का सम्मान मत कीजिए, मूर्खों से मिलन मत कीजिए, मूर्खों से रिश्ते मत जोड़िए। अब मूर्ख है कौन, इसकी पहचान क्या है? बैठत जाही डाल पर, काटत वाही डाल, अब गिरन मरण को गए नहीं, ये मूर्ख की बद संसार। मूर्ख हो, मूर्ख बहन सार संग भेजे, मूर्ख जाए पराई सेजे, मूर्ख बात बाम की कांदे, अब मूर्ख द्विज तीसर फांदे। 29 प्रकार के मूर्ख होते हैं, और सभी मूर्ख बता दूं तो ठीक नहीं, इसमें तुम भी मूर्ख निकल आओगे। इसलिए मैं चार ही मूर्ख बताता हूं। मूर्ख आदमी अपनी बहन को साले के साथ भेजेगा, मूर्ख आदमी दूसरी स्त्री के सेज पर जाकर सोएगा, मूर्ख आदमी दो आदमी खड़े बात कर रहे हैं, दोनों बीच में निकल जाएगा, और मूर्ख आदमी किसी के बहकावे में ही काम करेगा, स्वयं विवेक से काम नहीं करेगा। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, मूर्ख का आदर नहीं, और अन्न का अपमान नहीं है, अन्न के एक एक दाने का आदर किया जाता है, अन्न फेंका नहीं जाता है, जितनी भूख उतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। कितने लोग लालच में ज्यादा परोसवा लेते हैं, और परोसने वाले भी अंधाधुंध है, बोलते और लो और लो और लो, और क्यों देते हो इसको, मत दो, कम खाओ। बहावा आसनम नहीं, दाम्पत्य कलहो नास्ती, और जिसके घर में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, पति पत्नी चुपके से सलाह करके हंसकर काम करते हैं, उस घर की गरीबी दूर हो जाती है।